देखिए आज यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपका R2, OUGHT, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? R2, आउट टू नहीं, क्या होगा? R2। और इसका यूज करना है आपको चाहिए के सेंस में, लेकिन जब हाँ शुड भी होता है, मस्ट भी होता है, लेकिन लेकिन सुनो, R2 का भी यूज चाहिए के सेंस में होगा। बस अंतर यही है कि इसका यूज जब परम कर्तव्य की बात हो। अब ये परम कर्तव्य क्या है, ऐसे समझ लो जब मोरलिटी की बात हो, जब मोरल ड्यूटीज की बात हो, है ना, मोरल राइट्स की बात हो, तब वहां R2 का यूज करना है, मोरल ड्यूटीज एंड राइट्स की बात को। आप ऐसे समझ लो जब परम कर्तव्य की बात हो, जिसके बिना जिंदगी अधूरा है, भाई ऐसा कौन सा परम कर्तव्य है, ऐसा कौन सा परम कर्तव्य है? जैसे मैं कह दूं, यहां ध्यान दो, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बताओ ये नॉर्मल बात है क्या? भाई हमारा ये परम कर्तव्य है, ठीक है, भले वो हमें माने या ना माने, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो ये परम कर्तव्य है। जहाँ मोरल ड्यूटी जैसे मतलब नैतिक ज्ञान की बात हो, जहाँ ऐसे समझ लो ज्ञान की बातें हो, नहीं नहीं हमें ये करना चाहिए, क्लियर है ना, और उसके बिना जीवन क्या है, बेकार है, ऐसे समझ लो, तो वहां पर किसका यूज करना है, चाहिए के लिए R2 का यूज करना है। जैसे यहां क्या हो जाएगा, बी, और चाहिए की इंग्लिश क्या होती है, R2, तो बी R2। अब कहोगे यार चाहिए की इंग्लिश तो शुड भी होती है, लेकिन यहां परम कर्तव्य की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है। भाई एक हम लोग का, अब यार ये बताओ बच्चों का फर्ज होता है कि नहीं माता पिता की सेवा करें, तो बस ये फर्ज है, है ना, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, R2, शुड नहीं, तो बी R2, और सेवा करने की इंग्लिश होती है सर्व, बी R2 सर्व, और आवर पेरेंट्स, अब देखो बी के लिए अपने की इंग्लिश आवर होती है ना, बी R2 सर्व आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता की, समझ में आया। हम कह दें और सुनो, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का R2 पालन करना चाहिए। देखो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो ये बताओ सही बात है कि नहीं, परम कर्तव्य है कि नहीं? तुम करो नहीं नहीं हम तो नहीं पालन करेंगे, है ना, हम एकदम जगधर हैं, दाएं नहीं, हम बाएं नहीं दाएं चलेंगे, कोई आए उड़ा देगा, भाई ट्रैफिक नियम क्या है, सीधा कहता है ना, हमें अपने किस साइड में चलना चाहिए, किस साइड में चलना चाहिए, इधर देखो किस साइड में चलना चाहिए, बाएं साइड में चलना चाहिए, आप एकदम दाएं साइड में चल रहे हो, कोई आए उड़ा दिया तो क्या हुआ, ये बिल्कुल सही है कि नहीं? इसका मतलब ऐसे सीधा लिख लो, परम कर्तव्य, हाँ इसे भूलोगे नहीं, परम कर्तव्य वो अधिकार की जब बात हो, ठीक है, तो वहां पर किसका यूज करना, R2 का यूज करना। जैसे देखो हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, बताइए ये परम कर्तव्य है कि नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा, बी आर टू, और पालन करना मतलब फॉलो, बी R2 फॉलो, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना, बी R2 फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इस पर ज़्यादा नहीं 10 सेंटेंस नहीं बल्कि 15 सेंटेंस बनाना है, 15 सेंटेंस बनाना, लेकिन इसके लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको परमिशन, इसके लिए आप मम्मी पापा का हेल्प ले सकते हो और उनसे पूछो ऐसा सेंटेंस बताओ चाहिए वाला, है ना, भाई बहन का हेल्प ले सकते हो जिसमें परम कर्तव्य वाली बात, समझ में आया, जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हाँ भाई बिल्कुल सही है, क्लियर है, तो ऐसा हमें टीचर्स का कहना मानना चाहिए, तो ऐसी चीजें, तो ऐसे आपको 15, देखो यहाँ मेहनत लगेगी, ध्यान देना, क्लियर है, इसीलिए मैं इसमें मम्मी पापा का, ठीक, इसमें भाई बहन का, उनसे ऐसे पूछो कि ऐसा कोई सेंटेंस बताओ जिसमें एक परम कर्तव्य हो, जिसके बिना काम चले ना, भाई गूगल उगल कुछ नहीं कर पाएंगे, गूगल के पास हर चीज़ है ना, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गूगल के पास नहीं है,
अगर आप ये बता लिए आपको 500 रुपये इनाम अभी तुरंत, दिमाग, और वो बनाया किसने? देखो हाँ सर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गूगल के पास नहीं है? तो दिमाग तो है, अब पूछो कैसे? दिमाग ने ही गूगल को बनाया है सर। दिमाग ने गूगल को बनाया है, दिमाग तो है गूगल के पास। जैसे क्या है अभी यहाँ समझो, थोड़ा यहाँ इस चीज़ को समझो, बाकी आंसर से थोड़ा सा आप पॉइंट में हो, पॉइंट का मतलब उसके इर्द गिर्द में हो, लेकिन अभी आंसर वहाँ पहुँचे नहीं हो। जैसे हम लोग कुछ सर्च करते हैं तो गूगल ये बताओ समझ लेता है कि नहीं उतना? अरे कोई स्पेलिंग गलत रहती है तो देखो करेक्ट करके ऐसे लिखता है, डिड यू मीन, क्या तुम्हारा मतलब ये सर्च करना था? अरे यार गूगल में कोई स्पेलिंग गलत लिखते हो तो देखो ऑटो करेक्ट वाला रहता है ना, दिमाग की वजह से रहता है। उसके पास दिमाग है भाई। जैसे एक गूगल किसने बनाई है बताओ? इंसान थोड़ी है गूगल, हम लोगों ने बनाया, तो हम लोगों ने जब बनाया तो उसके पास दिमाग भी तो है। जैसे एक, अरे यार ऐसे समझो, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है कि नहीं वहाँ पर? यस सर। जैसे आप मैनेज की स्पेलिंग मान लो लिख दिए MANEGE, तो कहता नहीं नहीं ये कहाँ होगा बे, यहाँ होगा क्या? MANAGE होगा। तो आप कहते हो अच्छा अच्छा ये वाला, इसी को क्लिक कर देते हो, ठीक सही आता है, क्लियर है। लेकिन अभी क्या है, आप हो तो इर्द गिर्द में हो लेकिन अभी पहुंच नहीं पाए हो। चलो सोचना, या मैं कल बता दूंगा, नहीं अभी नहीं, क्लियर है? नो नो नो,